गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और विच अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ऐसी मटेरियल्स और ऐसी चीजें जिनके बीच में चार्ज फ्लो हो जाता है, जिसके बीच में करंट फ्लो हो जाती है, दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स में होता क्या है, इन कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और इन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको कब कहते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको थोड़ी सारी एनर्जी हम दें तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ से लिबरेट हो जाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ द चार्ज और फ्लो ऑफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर। इसलिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यही चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब जनरल बात करें तो जितने मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, और उनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है तो दैट इज द सिल्वर, चांदी जिसको आप कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन है इसके लिए कॉपर है, उसके बाद बाकी बारी आती है जैसे एल्युमिनियम वगैरह होती हैं, ये उसके बाद बारी आती है। और उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम कंडक्टर्स के बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या चीजें होती हैं? इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या एक ऐसे मटेरियल्स जिनके बीच में से करंट फ्लो नहीं हो सकती है, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में होता क्या है कि इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है एटम के साथ, एंड इट इज नॉट फ्री टू मूव, वो उसमें मूव करने के लिए फ्री नहीं है। इसलिए जब हम एक इंसुलेटर के अक्रॉस हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी करते हैं तो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इतने बाउंड हैं कि वो उसमें से मूव नहीं करते, दे डू नॉट बिकम फ्री, एंड देयरफॉर दे डू नॉट हेल्प फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट थ्रू द इंसुलेटर। इंसुलेटर की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? आप जैसे पेपर हो सकती है, वैक्स हो सकती है, माइका हो सकती है, रबड़ हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर्स की। एक बड़ी बात बता दूं आपको मजेदार कि इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। आप डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, हमारा जो अगले वाला वीडियो होगा उसी पर होगा। इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स, अब चूंकि वो इंसुलेटर हैं तो डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट वेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड आर वेन द डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डाइलेक्ट्रिक्स ट्रांसमिट चार्ज, वो ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग देम, वो कंडक्ट नहीं करते आपस में से, वो अपने जो है गुजर करके जाने नहीं देते, लेकिन ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग देम। इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़े हुए। उसके बाद बात आती है फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। इन केस ऑफ कंडक्टर्स की हम बात करें अगर तो कंडक्टर्स में फ्री चार्ज क्या होते हैं? अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कुछ दें तो उसमें जो करंट कंडक्शन होगी वो किसके कारण होगी? अभी हमने बात की थी कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही उसमें जो है जिग जैग करके घूमते रहते हैं, रैपिडली मूव होते रहते हैं, और वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द करंट कंडक्शन इन केस ऑफ द कंडक्टर्स। तो इसलिए ये जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीज आर कॉल्ड एज फ्री चार्जेस इन केस ऑफ कंडक्टर्स। और बाउंड चार्जेस क्या होंगे? बाउंड चार्जेस ऐसी चीजें होती हैं विच आर बाउंड टू द एटम एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव हियर एंड देयर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो और न्यूक्लियस जो एटम में है,
ये एटम के साथ बाउंड हैं एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर, इसलिए इन केस ऑफ कंडक्टर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो जो आपके प्रोटॉन्स हैं दे आर द बाउंड चार्जेस। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो अगर हम लिक्विड्स में हम क्या करें, लिक्विड में अगर हम दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं एक लिक्विड के बीच में, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन एज वेल एज द नेगेटिव आयन दोनों मूव करते हैं, इसलिए इन केस ऑफ लिक्विड्स बोथ द पॉजिटिव आयन एज वेल एज द नेगेटिव आयन दे कंस्टिट्यूट द फ्री चार्ज एंड देयर इज नो बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज उसमें है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें जो भाग लेते हैं दोनों जो करंट कंडक्शन में सहायता करते हैं, इसलिए बोथ ऑफ देम आर द फ्री चार्जेस एंड देयर इज नो बाउंड चार्ज इन केस ऑफ द लिक्विड्स। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर में क्या होता है, जब हम इंसुलेटर्स के अक्रॉस अगर हम करंट अप्लाई कर दें तो उसमें से चार्ज फ्लो ही नहीं होता, इसलिए इंसुलेटर में सिर्फ बाउंड चार्जेस हैं, फ्री चार्ज इसमें है ही नहीं, अगर इसमें फ्री चार्जेस होते तो ये करंट कंडक्ट कर देता, इसलिए इन केस ऑफ इंसुलेटर्स देयर आर नो बाउंड चार्जेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इनका बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो हम आपके सामने लाएंगे उसमें हम इंसुलेटर्स को जो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है और इसी को हमने कहा डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसको अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन वेक्टर एक्सेट्रा क्या होता है, एंड सो आई होप कि ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। इवन देन यू इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी पुट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।